सो दोस्तों, जैसे कि पता है कि अभी Realme X2 लॉन्च हो चुका है इंडिया में और वो अभी सभी के पास शायद पहुंच भी चुका है। तो दोस्तों, मैं अभी बताऊंगी Realme X2 में कैसे आप इन डिस्प्ले नोटिफिकेशन लाइट पा सकते हैं। तो दोस्तों, जैसे कि पता है Realme X2 में नोटिफिकेशन लाइट ऑफिशियली नहीं है, तो मैं ऐप की मदद से आपको एक करके दिखाऊंगी। तो दोस्तों, आपके मोबाइल में नोटिफिकेशन लाइट इनेबल करने के लिए सबसे पहले जो करना होगा, आपको एक एप्लीकेशन की ज़रूरत है जिसकी लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगी, वहाँ से आप उसे डाउनलोड करना, जिसकी नाम है नोटिफाई बॉडी। ठीक है, जैसे कि देख सकते हो मेरी स्क्रीन पे एक ऐप है, इसे मैं ओपन करती हूँ। इसे आपको डाउनलोड करना होगा और करने के साथ साथ यहाँ पे एक ऑप्शन मिल जाएगा ओवरली परमिशन, तो इसे ग्रैंड कर देना होगा। ग्रैंड करने के साथ साथ ये कुछ ऐसा इंटरफेस आएगा आपके सामने, जहाँ पे आपको इस वाले ऐप को अलाउ कर देना होगा और सिंपली आपको बैक जाना होगा। बैक जाने के साथ साथ फिर एक बार ग्रैंड करना होगा और इसे फिर से अलाउ कर देना होगा। ठीक है, अलाउ और सिंपली आप बैक आ जाइए। और बैक आने के साथ साथ आपको कुछ ऐसा इंटरफेस मिलेगा, यहाँ पे आपकी सिस्टम पे जितने सारे ऐप है वो आपको शो करेगा। यहाँ पे आप सिस्टम ऐप पे भी जाके इस ऐप को अलाउ कर सकते हो। सिंपली आप यहाँ पे आ जाइए, मतलब कि आप डाउनलोड ऐप, तो यहाँ से आप किसी भी ऐप पे इसे इनेबल कर सकते हो। जैसे कि मैं अभी व्हाट्सएप पे करूँगी, तो दोस्तों जैसे देख सकते हैं यहाँ पे आपको फर्स्ट ऑफ ऑल जिस ऐप पे इसे इनेबल करना चाहते हैं उसको सर्च करना होगा। जैसे कि मैं देख सकते हो यहाँ पे व्हाट्सएप को सर्च किया, मतलब कि फाउंड किया, तो व्हाट्सएप पे मैं इसे इनेबल करना चाहता हूँ, तो सिंपली इस वाले ऑप्शन को मैं इनेबल कर दूँगी। करने के साथ साथ ये व्हाट्सएप पे इनेबल हो जाएगा। और इस नोटिफिकेशन लाइट की कलर के लिए सिंपली आप व्हाट्सएप की लोगो पे क्लिक कीजिए और यहाँ पे बहुत सारे कलर आपको देखने को मिलेगा। तो जैसे देख सकते हैं यहाँ पे बहुत सारे कलर है जिसको आप नोटिफिकेशन लाइट के लिए यूज़ करना चाहते हो, सिंपली वहाँ पे ले जाइए। जैसे कि मैं यहाँ पे ग्रीन कर देता हूँ और कॉन्फर्म पे कॉन्फर्म, तो यहाँ पे आपको मिल जाएगा सेटिंग ऑप्शन। सेटिंग पे जाके बहुत सारे ऑप्शन है, LED एनिमेशन टाइम, ब्लिंकर इंटरवल, स्टॉप टाइमर, इसे आप पढ़ के अपने मुताबिक इसे ठीक कर लेना। ठीक है, तो यहाँ पे और एक ऑप्शन है जिसकी मदद से आप LED लाइट को किसी भी जगह पे रख सकते हो, जैसे कि एक्स कोऑर्डिनेट, वाई कोऑर्डिनेट को आप कस्टमाइज कर सकते हैं, तो ये आपके मुताबिक कस्टमाइज कर लेना। तो दोस्तों, अब मैं दिखाऊंगी कि आपके मोबाइल में अगर नोटिफिकेशन आ गई तो कैसे दिखने को मिलेगी। तो दोस्तों, जैसे कि देख सकते हैं मेरी स्क्रीन पे नोटिफिकेशन लाइट ब्लिंक हो रही है, मतलब कि व्हाट्सएप पे अगर मैसेज आए तो आपकी स्क्रीन ऑफ स्क्रीन पे कुछ ऐसा नोटिफिकेशन लाइट देखने को मिलेगा। तो दोस्तों, वीडियो अगर अच्छी लगी तो लाइक करना, सब्सक्राइब करना। मधुला की कोई ऐसा ही वीडियो मैं हमेशा लाता हूँ।